एक दूसरे के ख्वाबों में आया करते थे, तो जब हीर रांझा को देखने के लिए मजबूर हो गई तो उसने अपने चचा कैदो को रांझे के पास भेजकर इसे बुलवाया और चचा ही को कहकर अपने घर की भैंसों का पाली लगवाया और खुद चोरी चोरी इससे मिलने लगी और इसका खाना ले जाना शुरू कर दिया। जब माँ बाप को पता चला कि इन दोनों में मोहब्बत हो गई है तो इन्होंने हीर की शादी अखन बादशाह के साथ तय कर दी, जो कि रंगपुर खेड़े का रहने वाला था। जब हीर शादी की रस्मों की वजह से 3 रोज रांझे से मिल ना सकी तो उसने रांझे का खाना देकर अपनी सहेली प्यारी भूली को भेज दिया। मियां रांझे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भूली, कैसे आने हो गए आज तेरे? मैं तेरी रोटी लेकर आई हूँ। आज तो क्यों आई रोटी लेके? हीर क्यों नहीं आई?
ईर का तो बांध तेल लग रहा, वहां नहीं घर तक बाहर निकल सकती। बांध तेल लग रहा? हाँ। यो कद लग गया? तने नहीं पता? मने तो नहीं कुछ मालूम। कल तो बरात आने वाली है। अरे जान दे बुल्ली, क्यों बकारी से? मैं बका नहीं रही, मैं सच्ची कह रही हूँ। सच्ची कह रही है? देखे मेरी बात सुनिए। सुना। अरे बुल्ली बल्ला को से दुख मेरा मारी होगी, यो बटवा सा मुंह बोच सोच मेरे बंदर किसी रजवाड़ी होगी। Thank you.
अच्छा माता ने बुला रहा कॉल करके चली जा। कह दूंगी। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुना। रचा बुली दे भेजे हीर नर पीर बुलावे ते रचा बुली दे भेजे हीर नर पीर बुलावे ते और नर तो जंग साले रखे ते घर ले जावे I'm